हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम मुंबई सागा की बात करते हैं, जिसकी मूवी की लेंथ 2 घंटे 8 मिनट की है। और मूवी की कहानी फोकस करती है अमर्त्या राव, कैसे वो एक लोकल सब्जी वाले से एक बड़ा गैंगस्टर बनता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है जब अमर्त्या राव एक बिजनेसमैन का मर्डर कर देता है। फिर क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको मुंबई सागा देखनी पड़ेगी। खैर मूवी के फर्स्ट हाफ की बात करें तो एंटरटेनिंग है, जहाँ हमें आइज ऑफ अमर्त्या राव देखने को मिलता है तो वो मज़ा आता है। और जॉन अब्राहम के उस फर्स्ट हाफ में जो एक्शन सीक्वेंस है वो देखकर तो आपका भी मन करता है कि आपके मोहल्ले के कोई लोकल हरामी लोग हैं उनको उठा उठा के पटको, और कहीं ना कहीं आप जॉन में खुद को इमेजिन करने लगते हो। फर्स्ट हाफ बहुत ही गजब का, मज़ा आ गया देखने के लिए। लेकिन सेकेंड हाफ जहाँ पर इमरान हाशमी की एंट्री होती है, सेकेंड हाफ मुझे काफ़ी मिक्स लगा। एक सब्जी होती है ना जहाँ पर आपको आलू बैंगन गाजर मूली सब एक साथ देखने को मिलता है, तो बस सेकेंड हाफ मुझे वही लगा। मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। और जैसे जैसे सेकेंड हाफ में मूवी आगे बढ़ी थी वैसे वैसे जो एक प्रेडिक्टेबिलिटी है या कह सकते हैं कि वो एक इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा था पूरी तरह से। और इसीलिए मुझे मुंबई सागा एक अच्छी मूवी लगी, बट नॉट वेरी बेस्ट। जितनी हमें शूट आउट एट लोखंड वाला या शूट आउट एट वडाला लगी थी उस लेवल की ये मूवी नहीं लगी। हालांकि किसी भी मूवी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर इस मूवी का जितना जो हाइप बना था तो हाइप के हिसाब से देखा जाए तो मुझे ओके लगी। परफॉर्मेंस वाइज जॉन अब्राहम अब इस तरह के रोल्स में मास्टरी हासिल कर चुके, वो यार बहुत ही गजब का गैंगस्टर का रोल प्ले करते। ऐसा करते कि आप सोच सकते हो कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में रियल में गैंगस्टर ऐसे ही खूंखार होंगे। और अगर इमरान हाशमी की बात करूँ तो यार पुलिस ऑफिसर के रोल में देखकर उनको अच्छा लगा। और मूवी में डायलॉग बाजी बहुत देखने को मिलेगी, और बहुत ही ऐसे ऐसे डायलॉग से जो आप जब थिएटर से बाहर निकलोगे तब भी आपको याद रह जाएंगे। उसके अलावा चाहे महेश मांजरे को हो, अमोल गुप्ते हो, या वो दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स हो, सब लोग ने अपने हिस्से के रोल को अच्छी तरह से निभाया। मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। यहाँ पर मुंबई या आप कह सकते हैं बॉम्बे 80s और 90s का दौर बताया, और उसमें जो जो चीज़ें बताई है वो काफ़ी मार्वलस है। हाँ ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मूवी देखते दौरान आपको बहुत सारी जगह पे ऐसा महसूस होता है कि यार ग्रीन स्क्रीन का यूज़ किया, वो एकदम आप इजीली समझ पाओगे। आजकल तो ये कॉमन बात है कि हम लोग जब मूवीज़ देखते तो हमको पता चलता है कि यार यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन का यूज़ किया, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन वो पुराने बॉम्बे को रिक्रिएट भी तो करना था। उसके अलावा मूवी का म्यूज़िक भी अच्छा है, फालतू के सॉन्ग्स नहीं डाले गए, जो कि सबसे अच्छी बात लगी मुझे इस पर्टिकुलर मूवी की। और ना ही मूवी को फालतू में ड्रैग किया। पेरेंटल गाइडेंस की बात करो तो यस, ये आप अपनी फैमिली के साथ जाके देख सकते हो, लेकिन इस तरीके की भाई वाली फिल्म में अपनी फैमिली के साथ जाके कौन देखता है यार, तो आप खुद आप लोग डिसाइड कर लेना। मूवी को मैं रेटिंग दूंगा 7 out of 10। अब बात करेंगे संदीप और पिंकी फरार। मूवी को डायरेक्ट किया दिवाकर बैनर्जी ने, और मुझे इस पर्टिकुलर डायरेक्टर से बहुत ज़्यादा होप थी और इसी वजह से मैंने ये मूवी देखा। अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा से मुझे कुछ घंटा भी होप नहीं होती, मुझे पता है कि उनकी मूवीज़ कैसी होती है, तो वो तो मेरे माइंड में एक बात थी कि भाई परफॉर्मेंस वाइज मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं सोचा चलो एटलीस्ट कहानी तो कुछ होगी, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ मैं दिवाकर बैनर्जी सर से कि मैं यार वर्ड्स नहीं मेरे पास बोलने के लिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी उनसे कि यार वो एक अच्छी मूवी बनाएंगे जहाँ पर कहानी होती है सीरियसली। और यहाँ ये मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पर कुछ लड़के हमें नज़र आते हैं, वो जो आवारा लड़के होते हैं जो रातों में निकलते हैं मस्ती इंजॉय करने के लिए, भाई उनका हो जाता है एनकाउंटर। लेकिन एक्चुअली एनकाउंटर उनका नहीं, इन दोनों का होने वाला होता है। तो उसके बाद संदीप और पिंकी हो जाते हैं फरार। अब यहाँ पर संदीप यानी कि सैंडी परिणीता चोपड़ा, और पिंकी यानी कि पिंकेश दहिया, अर्जुन कपूर, जयदीप अलावत, रघुवीर यादव, नीना गुप्ता, इतने ज़बरदस्त एक्टर्स देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर टोटली वेस्ट किया। मूवी में स्टार्टिंग के 15-20 मिनट के बाद क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस वजह से चल रहा है, चल भी क्यों रहा है, ये आप लोग खुद से सवाल करोगे। और जब जब परिणीति चोपड़ा इस मूवी में रोती है तब तब आप रोते हो और आप यही सोचते हो कि यार हम ये मूवी देखने आए क्यों है, और आ गए तो यार बैठे क्यों है देखते हुए अभी तक। शायद इसलिए कि आप लोगों ने टिकट खरीदी और आप अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन जो दिमाग की बचती है ना उस 2 घंटे के दौरान वो आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और अर्जुन कपूर के लिए तो भाई एक ही चीज़ बोलूँगा कि यार इस पूरी मूवी के दौरान एक जगह पर भी ऐसा नहीं था जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि यार ये बंदा एक्टर है। सीरियसली वो एक नॉर्मल, क्या बोलूँ यार। और जो क्लाइमेक्स में अर्जुन कपूर का जो गेटअप था ना, वही गेटअप अब अर्जुन कपूर को अपना लेना चाहिए और शायद उसको एक्ट्रेस के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उनका एक्टर में तो पूरी तरह से ख़त्म हो गई कहानी भाई। सिर्फ और सिर्फ मूवी फ्लॉप करते। अर्जुन कपूर को मैं एक ओपिनियन देना चाहूँगा मेरा, अगर पसंद है तो रख लेना,
के बोनी कपूर जो उनके फादर है उनकी तरह आप अर्जुन कपूर को भी मूवी प्रोड्यूस करनी चाहिए, ना कि उसमें एक्ट करना चाहिए। ठीक है, एक्ट का डिपार्टमेंट आप किसी और को दे दो, क्विट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि या तो आप अच्छी मूवी बना, क्योंकि जो ऑडियंस है ना उनके जो अगर 100-150 रुपये भी ना बहुत मेहनत के होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि एंटरटेन होने के लिए आते, वो किसी के लिए बस ऐसा नहीं आते कि भाई हमारे पास बहुत पैसा है हम लोग दे रहे हैं। पता है मेरे वीडियोस फ्री में भी लोग नहीं देखते, तो फिर आपको सोचो अगर 150 रुपये में टिकट लेके देख रहे तो आपको कैसी पिक्चर बनानी चाहिए, या तो कैसा एक्ट करना चाहिए, या मतलब सोच समझ के तो साइन करो कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, पूरी दिमाग की भजिया हो गई भाई। या तो फिर हम जो इंडियन ऑडियंस है हमारा IQ लेवल अभी इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा कि हम लोग इस तरीके की मूवीज़ भी समझ पाए, एटलीस्ट मैं तो नहीं समझ पाया। और मेरे हिसाब से संदीप और पिंकी फरार एक टाइम वेस्ट है जो कि याद रह जाएगी 2021 में कि इतनी वाहियात पिक्चर थिएटर में भी लगी थी। और ये पिक्चर के ना दिवाकर बनर्जी को ना सीधा OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करना चाहिए था ताकि थोड़े बहुत पैसे तो बना लेती। थिएटर में तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, आज तो कुत्ता भी नहीं जाने वाला, आज संडे, लेकिन आज एक या दो, एक पर्टिकुलर शो में दो ऑडियंस से ज़्यादा नहीं दिखेगी। और अगर मुंबई सागर की बात करूँ तो यार वहाँ पर ऑडियंस जाएगी, लेकिन वो मूवी भी ओके है, नॉट वेरी बेस्ट। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। संदीप और पिंकी फरार को मैं रेटिंग्स भी नहीं दूंगा, मुझे कुछ देना ही नहीं है, मैंने जो टिकट के पैसे दे दिया वही बहुत बड़ी बात है, तो अगर उसका रिफंड दिला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही।